बाबा बर्फानी की यात्रा आज से यानी कि 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तक हुई, तकरीबन 3.4 लाख लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। लेकिन इन सब के बीच इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर फ्रॉड किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों से कई लोग आए जिनके साथ ये फ्रॉड जो है वो हुआ है। खास तौर पे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो पंजीकरण करवाया जाता है उसको लेकर ये फ्रॉड किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आपको बता दें कि तकरीबन जो आंकड़ा है वो 300 से ज़्यादा है जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड किया गया है और पैसे जो है वो एजेंट की तरफ से लिए गए हैं। ये वो फेक रजिस्ट्रेशन है जो बाबा बर्फानी के नाम पर यहाँ पर पैसे इन लोगों से ऐंठे गए हैं। ये कहा जा रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों से ये लोग आए हैं, ख़ास तौर पर दिल्ली से ज़्यादा लोग आए हैं जिनके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। और जितने भी हम कागज आपको दिखा रहे हैं ये ऑनलाइन फ्रॉड के कागज हैं। जब ये लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाते हैं, जब ये RFID टैग के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इनको साफ कह दिया जाता है कि आपके नाम की कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर नहीं हुई है। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। साहब आपका नाम? मेरा संदीप कुमार है सर। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से। मुझे ये बताइए, ये जो आपके पास कागज है रजिस्ट्रेशन का, ये फ्रॉड है? जी बिल्कुल फ्रॉड है। क्या हुआ था आपके साथ, पूरी कहानी बताइए। मैं एक्चुअली पास लेने के लिए गया था अंदर, मैंने ये अपना परमिट नंबर उनको दिखाया कि सर मेरे को पास चाहिए दर्शन के लिए। तो उन्होंने जैसे ही चेक किया तो इसमें निखिल श्रीवास्तव के नाम से एक पर्सन का नाम आया। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये ID तो निखिल श्रीवास्तव के नाम पे आपको हम कैसे दे सकते हैं, और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, दिस इज द फ्रॉड एब्सोल्युटली। कितने पैसे लिए गए थे एजेंट की तरफ से आपसे? 6,500 सर। ये कहाँ पे लिए गए? ये दिल्ली। दिल्ली में कौन सी जगह? ये सहाद्रा। किसने लिए? ये जगन मोहन हाँ ट्रेवल्स वाले। हाँ क्या बोला उन्होंने? आप सारे उन्हीं के थ्रू आए? सब अलग अलग से। आप कहाँ से आए? हम गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद। वहाँ पे ये दिखाया गया आपको कागज? ये दिखाइए। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ये है। हाँ। आपको क्या बोला, कौन से ट्रेवल से आए आप? हम आए हैं जगन। हाँ वही है, ट्रेवल से तो एक ही है। क्या बोला उन्होंने? यही कहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप जाइए, 1 तारीख का हमारा टाइम है और अब हमने यहाँ के अपने कागज दिखाए, वो कह रहे हैं कि कागज आपके फ्रॉड है। कौन सी तारीख को आपने पैसे दिए थे उनको? हमें तो 1-2 महीना पहले दे रखे, 2-2 महीना पहले रजिस्ट्रेशन करा रखे, 2-2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराए। अब 3 दिन के हम निकले हुए हैं और हम यहाँ पहुँचे हैं और अब हमें यहाँ बोल दिया गया कि तो आपका रजिस्ट्रेशन फ्रॉड है, इस नंबर पे तो किसी और का नंबर है, आप बेकार धक्के खा रहे हैं। मैम ये बताइए कि आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहली बार आए हैं? हाँ मैं पहली बार आई हूँ। कितनी उत्साहित थे आप? बहुत ज्यादा, मैं रोई भी थी अभी। ये बताइए क्या हुआ आपके साथ? बस ये कह दिया कि रजिस्ट्रेशन है तुम्हारे, हम वहाँ पे लाइन लगे पूरी दोपहरी घूमे ऐसे ऐसे भूखे प्यासे, वहाँ जाके बोल दिया कि तुम्हारे फ्रॉड है, तुम्हारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो जो एजेंट था उससे बात की आपने? हाँ की है बात। क्या बोला उसने? वो भाग गया। तो कोई कंप्लेंट करवाई अभी तक आप लोगों ने? अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं कराई है। कहाँ जाए हम कंप्लेंट कराने के लिए, हम तो बड़ी उम्मीद से बाबा के दर्शन के लिए आए थे पर हमें क्या पता था हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। आप सारे दिल्ली से आए? हम सब दिल्ली से आए सर, सब दिल्ली से आए। हर एक बंदे से आपसे 6,500 जी 6,500 लिए कंप्लेन के लिए मना कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस हमें ये बता दिया गया कि वहाँ जाओ वहाँ जाके बनवाओ, अब हमने बनवा लिया, 6 और 7 का टाइम मिला है, मेडिकल हम 6 को कराएंगे फिर 7 को हम जाएंगे तो हम घर कब पहुँचेंगे, छुट्टियाँ हमारे पति की हैं नहीं तो और कैसे हम वहाँ तक बालटाल तक पहुँचेंगे, बालटाल में हमारे जानने वाले का लंगर है लेकिन वहाँ जाने के लिए भी तो हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन। सारे दिल्ली से आए? जी हम दिल्ली से आए। सबके साथ फ्रॉड हुआ? सारा एक ही एजेंट का काम है? हाँ जी एक ही एजेंट का। 6,500 पे लिए गए? सिंह बेदी, जगन मोहन सिंह बेदी विश्वास। अभी उससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है? फोन नहीं उठा रहे हो, फोन स्विच ऑफ है। हमें बोला कि हमने बोला हमारा रजिस्ट्रेशन दे दो, कह रहा है रजिस्ट्रेशन ना चोरी हो गई है, हमारा पैसा भी चोरी हो गया है, आपको वहां जाके मिल जाएगा और लाइन में लगो मिल जाएगा। आपको क्या बोला था जब आप? मेरी कसम हमारा ये है कि उन्होंने हमसे जो पैसे लिए हैं अब यहाँ पे हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बिकॉज ऑल द मनी वी आर गिवन टू द पर्सन हु हैज इज अ फ्रॉड बेस, ही हैज गॉन टू दिल्ली। अभी दिल्ली से आए? दिल्ली से। आपके साथ भी फ्रॉड हुआ? हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ। क्या जब आप अंदर गए काउंटर पे क्या बोला उन्होंने? अभी हम अंदर हमने लखनपुर बॉर्डर पे चेक किया था। हाँ। तो उन्होंने जैसे मैंने अपने नाम डाला कि शाहिद अफरीदी के नाम से कोई मतलब
नाम से था। फिर मैंने पूछा कि फोन नंबर वगैरह या आपने केवाईसी की थी, मगर नहीं, हमारे ये कहा था कि आपका ये रजिस्ट्रेशन होके आपकी एंट्री हो जाएगी वहाँ पे। 6,500 रुपए लिए पंजीकरण के नाम पे आपसे? नहीं, हमारा 1,000 रुपए पर पर्सन का आया था। मतलब 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का लिया, बाकी ट्रैवल और खाने पीने का लिया। हाँ, 6,000 रुपए। 6,500। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे आप? वापिस जाएंगे कि यहाँ पे? नहीं, वापिस दर्शन करके ही जाएंगे। अब हम इतनी दूर से आए हैं तो हम दर्शन ना करें, पहली बार आए तो हमारा क्या फायदा? 6,000 रुपए हमने किराए के दिए, भूखे प्यासे रहेंगे हम, के इतने पैसे ले लेके आए कि हम यहाँ पे हम किराया देंगे? लोग आ पाए हैं? कितने लोग? बचपन एक में 60 है, एक बस में 60 आदमी है। कितनी बसे आपके? भाई जितनी ये खड़ी है सारी तो यहाँ, इससे ज्यादा यहाँ से निकल गई है। कम से कम भी अगर लगाओगे तो 100-150 आदमी के करीब, 500 आदमी के साथ जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। भाई 5 गाड़ियां हैं हमारी, 5 गाड़ियां हैं जो हमारे यंग लड़कियां हैं, इनको हम कहां सेफ रखेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? हम सिर्फ अपना ये, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम आए हैं तो हम दर्शन करके ही जाएंगे। साफ तौर पे आप इन लोगों को सुनिए जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। यहाँ पर साफ तौर पे ये कहा गया था इनको कि आप पैसे दे दीजिए, आपकी रजिस्ट्रेशन हम करवाएंगे। और जो यहाँ पर साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से जो ये लोग हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, जिनके साथ ये फ्रॉड जो है वो साफ तौर पे हुआ है पंजीकरण के नाम पे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।